एक हो गई है गलती, इसके अंदर नमक डालना भूल गया। अभी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ इंतजाम कर लेंगे, मसला नहीं। देख लो भाई, कोई अच्छा रिश्ता देखना हो आपको, जिस लड़के को खाना बनाना आता हो, तो मुझसे कांटेक्ट करें। नीचे कमेंट के अंदर आगे बता देंगे हमें कि भाई खाना बनाने वाले लड़के की तलाश है। तो आपको भाई रेडी है भाई, चार वैसे ही फर्ज हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो भाई आप लोग? मैं भी अभी नहा के निकला हूँ यार। मैं काफ़ी दिन से ना YouTube पर रेसिपीज़ देख रहा था, तो मैंने एक चीज़ जो है सेलेक्ट करी है जो मैं फर्स्ट टाइम जो है बनाऊंगा। लास्ट वाले व्लॉग में आप लोगों को याद होगा, सब कुछ कटिंग हुआ होता है, रेडी हुआ होता, जो भी रेसिपी थी सब मम्मा को पता था। बस मैंने खड़े होके मतलब एक समझे कि एक्सपीरियंस करा था कि क्या, तो उस टाइम पर कोई मेहनत नहीं हुई थी। खैर अब मैंने जो है एक चीज़ जो है सेलेक्ट करी है जो मैं सबसे पहले बनाऊँगा, खुद ही लेकर भी खुद आऊँगा, परचेज भी खुद करूँगा और सब कुछ ए टू जेड खुद ही बनाऊँगा। चिकन एग फ्राइड राइस होते हैं वो, तो मैंने सोचा कि वो बनाएंगे। तो अभी उसकी रेसिपी जो है वो मैंने अच्छे से रट ली है, तीन चार दफ़ा देख लिया है, तो इतना कोई हार्ड भी नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन जब बनाऊँगा तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम कुछ बनाऊँगा तो हार्ड ही लगेगा, ईजी भी। सीधा चलते हैं सामान लेने के लिए। एक गली हमारी हो गई है क्लियर, अब बाइक की चाबी उठाते हैं बाबा की और सीधा निकलते हैं अपना सामान लेने। A few inches later. जी सीधे चावल तो हैं काफ़ी सारे बिरयानी वाले, लेकिन अब चेक करते हैं इनसे, पूछते हैं अच्छे वाले कौन से हैं भाई। इस पर ना समझ नहीं आ रहा कौन से, मेरे सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। देखो इसका भी वही साइज़ है और इसका भी वही साइज़ है, बस कलर में शायद फ़र्क है थोड़ा सा ना भाई। किसी ने नाम सुना चावलों का नाम तराजू है, हमारे अंकल ने तराजू दिए। देखो ये चावल हैं, गरिया के दिखाता हूँ सही से। ये मैंने एक किलो ले लिया, अब ये पता नहीं कैसे बनेंगे टेस्ट में, तराजू नाम है इसका। अभी चिकन लेने चलते हैं और स्प्लिट अनियन जिसे कहते हैं हरी प्याज वो लेनी है। अभी चिकन वाली शॉप पे ना चिकन ले लिया, मैंने बोला कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एक पाव बोनलेस ही ले लेते हैं। वहाँ से यहाँ आ गया, मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही हरी प्याज, इन लोगों से पूछनी पड़ेगी भाई। स्प्लिट अनियन हमें चाहिए ना, हरी प्याज ये मिल तो गई है, ये 60 रुपये की पाव है भाई। देख मार इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान में। ये हरी प्याज ही होती है, तरीके के बाद थोड़ा टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो काम करते हैं, ये करते हैं अंकल, ये छोटे साइज की देगा पर एक पाव दे देंगे। पता नहीं मैं 10 सेकंड ही भूल गया भाई और क्या सामान था। और भूल गया क्या था भाई, ये कैसे दे रहे हैं गाजर? 200 रुपये किलो। ऑरेंज वाली 200 रुपये किलो? ऑरेंज वाली 150, लाल 200। दो किलो खीरा डाल भाई, एक पाव भाई साहब। हमारी वेजिटेबल भी कंप्लीट हो गई है, बाकी जो घर पे थी बाकी सामान हमारा यहाँ लटका हुआ है। अब निकलते हैं सीधा, एक और शॉप पे जाना है भाई। कैसे हैं भाई? चार अंडे दे दीजिएगा। इधर इधर पवेलियन। हाँ सही सही, ये वाला छोटा वाला ही दे दो आप, छोटे ये इसी का काम हो जाएगा हमारा। चार अंडे भी हमारे हो गए, जो हमने लेना सामान सारा डन हो गया। A few inches later. तो भाई घर पे पहुँचे, सामान लेकर आ गया हूँ। लीजा मैडम सो रही थी, इसके लिए चिकन है, तो मैडम की फ़ौरन से आँख खुल गई है, इधर से इसके लिए लेकर आया हूँ खाना। भाई साहब ये देखो, ये हमारी आ गई जो जिसे क्या कहते हैं बंद गोभी, ये हमारी स्प्लिट अनियन, और ये उसके नीचे की जो होता है ना वो ग्रीन ग्रीन हिस्सा, वो ये वाला समझो ये हो गई है। तो ये हमारा चिकन है जो अभी हमने पानी के अंदर डाला है वॉश करने के लिए, बाकी इसको मैं अभी कटिंग करता हूँ और उसके बाद फिर अभी उसको भीगने के लिए डाल देता हूँ चावलों को जो लेकर आएँ, और फिर जो है बाकी का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। बाकी यही वाली गाजर अभी चला लेते हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं है। और ये हमारा वो है जो क्या कहते हैं उसको, लहसुन है, और ये हमारी शिमला मिर्च। तो भाई पहले तो ना इसको कटिंग कर लेते हैं अच्छे से, और ये पूरी गोल करूँगा कटिंग, तो मेरे हिसाब से नहीं, ये देखो ना गोल जैसे मैंने करी है, छोटी थी तो छोटी में, तो मैं इसको ना बीच से कटिंग कर लेता हूँ पहले एक दफ़ा ऐसे, उसके बाद फिर इसके छोटे छोटे पीस कर देता हूँ। तो अभी इतना डन करने के बाद तो इसको पहले निकाल लेता हूँ साइड में, इधर आ जाओ आप, ताकि याद रहे कि ये स्प्लिट अनियन का ऊपर वाला हिस्सा। थोड़ी सी और कटिंग करेंगे, ये काफ़ी कम है मेरे ख्याल से। तो ये चिकन हमने बोनलेस लिया था, उसके भी हम छोटे छोटे पीस कर लेते हैं, उसका साइज इतना ही मेरे हिसाब से ठीक है, जो मेरे हिसाब से जो मैंने देखा था वीडियोज वगैरह के अंदर। चिकन गिरा दिया। अरे भाई साहब ये देखो क्या सीन हो गया, ऑयल में गिर गया चिकन, इसको साइड पे रखते हैं। शेफ बनने की लीजा को देखो कैसे आवाजें निकाल रही है, इसको खाना है, अपना खाना खाए ना आप। नेता बंदी खा रही है, नहीं कुछ नहीं है, जाइए आप यहाँ से।
तो भाई पानी मंगवाया है मैंने, जो अभी काट ही रहा था, कटिंग करते करते थक गया हूँ मैं। ये लीजा अपना नरितापन दिखा रही थी, तो उसमें कुछ पीस कटिंग करके मैंने इसको दिया। फिर आ गई, देखो फिर आ गई हो तुम, चलो चले जाओ, बस बहुत दे दिया तुम्हें मैंने। चलो मेरे को खाना बनाया, तो लीजा अब यहाँ से चले जाओ वरना आपको चमाट पड़ेगा, जल्दी आए चले जाओ। चिकन हम इसको वॉश कर लेते हैं ताकि पानी हाथ के हाथ निकल जाए। साथ साथ हमने ये काली मिर्च जिसे कहते हैं ना, ये भी पीसनी है। और अभी मैं ढूंढ रहा था, मेरे मुंह से निकला, इसको क्या कहते हैं, कुटनी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या कहते, मेरे मुंह से निकला है इमाम जारवान। ये तो छल छल के बाहर आ रहा है, छल छल के बाहर आ रहा है भाई। और आप लोग देख लो कब से जो है ना इसके ना लगे हुए थे, चूल्हे ने तंग करा हुआ था। खैर अब हम मैं स्टार्ट हो गया हूँ। ये हमारा चिकन यहाँ पे फ्राई हो रहा है, चिकन फ्राई हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं अपने। A few inches later, यार इसका ऑयल अच्छे से निकले, हमने कर दिया तो यार इसके अंदर अपना बटर ऐड कर दिया हमने। यार ये पता नहीं कैसा मक्खन था जो उन्होंने दिया था, सारे ही पीके होते, चीटे कितनी आ रही, मैं तो बोल रहा हूँ उसके ना ऑयल ही ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा शांत हुए ताकि। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले लहसुन ऐड कर दिया इसके अंदर हमने, तो इसके अंदर गाजर भी ऐड कर देंगे। पूरी छीटे देखो कैसे आ रही है भाई उड़ उड़ के। इसके अंदर स्प्लिट अनियन डाल दूँगा, शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं भाई, बस ये लास्ट था, हमारे वेजिटेबल्स हो गए कंप्लीट। इसके ना विनेगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिसे कहते हैं, ऑन है वीडियो। क्या नमक भी ऐड कर दो। इसके अंदर ये काली मिर्च जो मैंने कूटी थी ना इसको भी ऐड करना, और बाकी जो चिकन विकन है इसके बाद हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद बाकी चीज़ों को भी ऐड करता हूँ। अब इसके अंदर चिकन ऐड करने का वक्त आ गया, और खुशबू ऐसी आ रही है ना लेवल की मैं क्या बताऊँ, अभी तक अभी से ही स्टार्ट हो गई खुशबू ऐसी मज़ेदार आना। तो भाई इसकी खुशबू मैं बताऊँ बहुत ज़्यादा लेवल की आ रही है, और ये टेस्ट करके देखते हैं, चिकन ही उठा के खाएंगे खाली। बाकी यार अभी जो हमारा ये हाफ जो है डन हो गया, बाकी बहुत मज़े की जो है ना रेसिपी की मैं आपको बताऊँ, बाकी बहुत मज़े की। मेरे को थोड़ा सा ना बस इसके अंदर चिल्ली सॉस कम लग रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा और ऐड कर लूँ, तो इसके अंदर चिल्ली सॉस जो है ना थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, और खा के थोड़ा सा भाई इसको जो है अलग से हमने निकालना है ऑयल, बस बेशक इसके अंदर रह जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, ना ही कोशिश करें जितना निकल जाए उतना अच्छा है, ऑयल जितना निकल जाए बस ये पूरा आ जाए इसके अंदर, यार गर्म हो गया यार एकदम से हाथ चल रहा है। चलो भाई खुशबू देखा कैसी आ रही है। यार मेरे कैमरा मैन ने ना मेरा बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, वीडियो सारी इसमें टेढ़ा है, इसका फ्रेम जो है सारा का सारा टेढ़ा है, कि मेरी सारी ब्लॉग की वाइफ ख़राब कर रही है। एक बार तुम इसको चेक करो खाली, ऐसी तुम लोगों उसकी स्पाइसेस का पता लग रहा होगा, और बार बार चखने का अलग ही मज़ा है इसको। मज़े का यार ये तो चीज़ है ना यार, मैं तुम लोगों को देखा इसका अलग ही मज़ा है। बिस्मिल्ला चलिए लिखो। अभी हम हाई फ्लेम पे इसको रखते हैं,
जहाँ तक मैंने वीडियोस के अंदर देखा है। इसको करते हैं साइड पे, कहीं मम्मा आ जाए फाइट पे। तो भाई इसको हवा में कर लेते हैं डिस्ट्रॉय, इसका जो मज़ा है ना वो अलग ही है। तो भाई ये तुम देख सकते हो इसका कलर, कलर एक दफ़ा चेक करो कितना लेवल का है। ये हो गया है, इसको भी अब निकालते हैं हम अलग प्लेट के अंदर उसके। ओए होए 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 चेक करो, एक हो गई है गलती, इसके अंदर नमक डालना भूल गया। अभी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ इंतज़ाम कर लेंगे, मसला नहीं। जो हमने रेडी किया था इसकी बारी आएगी अब। इसके अंदर अब ऐड करेंगे हम अपना एग। देख लो भाई, कोई अच्छा रिश्ता देखना हो आपको, जिस लड़के को खाना बनाना आता हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, नीचे कमेंट्स के अंदर आगे बता दें कि हमें कि भाई खाना बनाने वाले लड़के की तलाश है। तो आप तो भाई रेडी है भाई, चार वैसे ही फर्ज हैं, सॉरी सॉरी फर्ज नहीं है, चार वैसे ही सुनना थे। तो भाई ये आपके भाई का जुगाड़, जिसकी वजह से थोड़े गोरे आए, एक ये लाइट लगी हुई है। तो एक दफ़ा तुम लोग किचन का हाल देख सकते हो कि क्या किया मैंने। ये कुछ सिचुएशन है किचन की, बाकी इसको हम रखते हैं 10 मिनट के लिए दम पे, बाकी अभी 10 मिनट के लिए वेट करते हैं। अभी 9:05 हो रहे हैं, 9:15 पे चेक करेंगे कैसे बने हुए चावल। 15 minutes later मैं तो बोल रहा हूँ इसके अंदर एक दफ़ा एक बाइट लेकर देखते हैं चुपचाप से। ट्राई करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे मुँह से। अपने मुँह से अपनी तारीफ तो अच्छी ही लगेगी, तो दूसरों के मुँह से ही सुनवाऊंगा। तो सर्विंग के लिए तो मैंने अपनी मम्मा को ही बुलाया, निकालें निकालें आप, तो जिसमें भी आप निकालें। कितने जबरदस्त रेट कितना करेंगे 10 में से, जो तो बिल्कुल मतलब ये लगता है कि 10 out of इतने होने चाहिए फर्स्ट टाइम के हिसाब से, अगर 10 out of 10 है वैसे के कितने होने चाहिए। कितने होने चाहिए। 5 minutes later मेहनत तो पानी फेरना, मेहनत आपका रिजल्ट देखना है ना, टेस्ट देखो ना कैसा बनाए। अच्छा जो आपने रेटिंग करनी है ना, पहले मम्मा लोगों की तो मैंने बता दी इन लोगों की। रुको 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 रुको, वापस वापस होशियारी नहीं, पता लगे कि अपने पास से कुछ भी कर दोगे दिल रखने के लिए। देखो भाई, जो आपको लगता है कि बाहर के आपने खाए होंगे ज़रूर, ये खाए होंगे तो जानजी सवाल खाए। चलो अब आपने ऐसे देने के समझो कि आपने जानजी से खाए में किस तरीके के होते हैं। अब आपने उसकी रेटिंग उस हिसाब से देनी है, फर्स्ट टाइम बने सेकंड टाइम बने उसका। मम्मा लोगों ने बोला फर्स्ट टाइम के हिसाब से 10 out of 10 है, तो आपने ऐसी रेटिंग देनी है जिसमें कि वही प्रॉपर पता लगे कि हाँ इसके इतने होने चाहिए 10 में, रियल वाले देख लो हाँ, अगर अच्छे नहीं लगे। हाँ हाँ, जो भी हो, जिस चीज़ की कमी हो, कुछ भी अगर लगे कुछ ज़्यादा, वो सब आपने बताना है ताकि रियलिटी भी तो पता लगे। नहीं, अच्छे से खा लो फिर बताना। तो फिर तो वो बात अलग होगी। मेरे साथ में 9 फिर भी ज्यादा बोल रहे। नहीं 9 परफेक्ट है, 10/10 भी बोल सकता था, लेकिन 9 परफेक्ट है। 10 में से 10 तो वाली बात हो जाएगी ना, लेकिन 9 सही है, बिल्कुल परफेक्ट।
चलो भाई ये लास्ट सीटिंग भी मिल गई है, इसके बाद ये खा लें, उसके बाद थोड़ा शुगर में लगाते हैं और फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। भाई आउटरो करना तो भूल ही गया, जिसको भी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन लाजमी दबा देना, इस तरह भाई को सपोर्ट करते रहो ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए आपका भाई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, अल्लाह हाफिज़।